से नतीजों से पहले ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब बात राजनांदगांव की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जिला बीजेपी कार्यालय में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस के 75 सीटों का दावा फेल होता नजर आ रहा है। कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत जाई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है, और 59 सीट से नीचे आते आते दो एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों को भ्रमित करने वाला बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से, और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखने के दावे पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अपने बूते पे सरकार बनाने जा रहा है, मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, तो गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। मैं इस मामले में बहुत अस्पष्ट हूं, और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। जहां तक सवाल अगर आप करें कि ये जो आए हैं चुनाव के बाद के जो सर्वे, तो मैं सर्वे का सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूं कि सर्वे का सर्वे कर लीजिए, कोई एक रिपोर्ट दूसरे से मिली नहीं खा रही। कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है। तो जब सर्वे ही आपस में एक दूसरे की काट कर रहे हैं, तो उन सर्वे पे मैं भरोसा नहीं करता। अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया, और उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कई राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी। इस दौरान दावा किया कि 3-4 से राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। भारी बहुमत से राज्यों में, राज्यों के बहुमतों से जीत होगी। हम इस पर नहीं कुछ बोलते कि 5 में से, लेकिन मुझे 5 में से 3 तो मस्ट जीतूंगा, 3 से 4। नतीजों से पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे परसों का इंतजार है, और मेरा आकलन है कि बीजेपी की करारी हार होगी। सुनिए। और मेरी इच्छा भी है और मेरा आकलन भी है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी। 2014 2019 में प्रधानमंत्री ने जो दावे और वायदे देश की जनता से किए थे, जनता के एक बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनको विजयी बनाया था, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़े हुए दामों में कटौती करने का हो, चाहे महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार हों, और हर भारतीय के खाते में
दस दस लाख रुपए आएंगे और किसानों की आय दुगनी होगी, इसको लेकर के तो अब गांव में भी बच्चे मजाक उड़ाने लगे हैं। लिहाजा इस पराजय से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद होगा और 2024 के विजय की पटकथा लिखने का सिलसिला भी प्रारंभ होगा। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने एग्जिट पोल पर कहा कि थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता 75 पार बता रहे हैं, एग्जिट पोल में ये नीचे जाते दिख रहे हैं, मतदाता बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, करप्शन कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिख रहा है, सुनिए। और कांग्रेस बढ़त की ओर नजर आ रही है। हमारे साथ में बीजेपी की कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है एग्जिट पोल आ गया है, कैसा देखते हैं? देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है तो एग्जिट पोल में स्लाइटली जो एज है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता जितना बोल रहे थे 75 पार और ये, तो उससे लगता कि कांग्रेस के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे आया। अब इसमें दो चीज़ हमारी है कि कांग्रेस नीचे जा रही है और हम ऊपर जा रहे हैं। मेरा मानना है किसान का इशू बराबरी पे, हमारे तरफ जो हमारा किसान है भाजपा का, वो भाजपा की तरफ है, कांग्रेस का जो कांग्रेस का, जो मजदूर है जो पिछले समय पीड़ित रहा है वो हमारे तरफ आया, शासकीय कर्मचारी हमारे तरफ आया, युवा जो ठगा गया वो हमारी तरफ जो गया था वो आया, महिलाएं जो ठगी गई थी वो आए, मोदी जी का जो बड़ा नाम जो सबसे ये कि इनके जो चेहरे थे राहुल गांधी खड़गे जी, जहाँ तक शुरू में चला भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन कांग्रेस ने बाद में भूपेश के नाम की जगह कांग्रेस से तो भरोसा कर दिया, सामूहिक नेतृत्व की बात किया। आप वोटर के फ्लोटिंग को आप बता नहीं सकते, तो इसलिए भरोसा, पूरा भरोसा है हमें, और उसके कारण है कि वोटर के हमारे पास आने के चार चार कारण हैं, कांग्रेस के पास जाने का नहीं है, कांग्रेस से आने का है। जी जी, तो देखिए ये प्रेम प्रकाश पांडे ही बता रहे थे कि किस तरह से वोटर इनके साथ हैं, इनको पूरा भरोसा है कि जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।